वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और मैं हूँ आपकी फ्रेंड शुभ्रा। तो आज है मंडे और आज जो है मैं अभी से जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बजे है सुबह की 10 और मैंने जो है अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और घर का जो भी काम था लाइक झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके मैं नहाने गई थी। और मेरा बाल जो है अभी गीले हैं तो इसको मैंने जो मेरा लगाती हूँ सीरम मतलब बायोटिक का इबोने तो वो लगा के मैंने ऐसे ही छोड़ा है, इसको अभी मैं कॉम्ब नहीं किया। तो अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने और यहाँ पे जो है बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, अभी तक कम नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से जो है कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, मतलब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, घर पे ही सूख रहा है ऑलमोस्ट। तो बाहर तो क्योंकि बालकनी में दूँ तो पानी का जो छींटा है वो पूरा आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी होती हो रही है। तो अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने और लंच में मैं आज बहुत ही स्पेशल बनाऊंगी, मतलब चिकन बिरयानी बनाऊंगी। तो चिकन बिरयानी जो नॉन वेजिटेरियन है उनको बहुत पसंद है तो आज मैं वही बनाऊंगी, लेकिन इसको मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, मतलब इसमें मैंने कोई भी एसेंस मैं ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ बिरयानी मसाले तो दूंगी लेकिन कोई एसेंस और फूड कलर ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और इसको मैं थोड़ा सा कोलकाता स्टाइल करके बनाऊंगी क्योंकि बंगाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को साथ जो है कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि बिरयानी का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा होता है, अभी शुरू नहीं करूंगी तो बहुत मतलब लेट हो जाएगा। तो अभी मैं चलिए शुरू कर देती हूँ लंच बनाना। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को इस तरह आप देख सकते हो बॉयल करके रखा है, एकदम पूरा ये खिला खिला है, यहाँ पे लिया है आप देख सकते हो। यहाँ पे चार प्याज है, इसको मैंने लंबा लंबा शेप में काट लिया है और क्योंकि हम लोग बंगाली है तो बिरयानी में हम लोग पोटैटो यानी कि आलू देते हैं, इसलिए मैंने चार आलू को इस तरह से उसका छिलका उतार के मैंने रखा है पील करके। और लगेगा घी, ये कोलकाता का घी है तो ये घी लगेगा। और लगेगा एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाला, आप कोई भी मतलब कंपनी का जो है बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं और जो भी मतलब जो पाउडर मसाले जो भी है वो तो लगेंगे ही, लाइक मतलब धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो सब तो है ही। और यहाँ पे मैंने लिया है ये देख सकते हो, ये ओनली है अदरक, एक टमाटर और कुछ लहसुन की कलियाँ, मैंने लगभग 10 लहसुन की कलियाँ यहाँ पे मैंने पेस्ट करके एक साथ मिक्सी में पेस्ट करके रखा है। और पेस्ट करते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड किया है। और यहाँ पे है चिकन जिसको मैंने भिगो के अच्छे से रखा है। तो ये सब देखे हो जाएगा मेरा चिकन बिरयानी, बहुत ही कम मसाले यूज़ करती हूँ मैं और बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि ज़्यादा मसाले से ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, कम मसाले में भी बिरयानी बनाया जा सकता है और बहुत टेस्टी बनते हैं। और एक बात, मैंने इस बिरयानी में कोई भी फूड कलर मैं यूज़ नहीं करूँगी, वो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है और मतलब मुझे पसंद भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये जो सिंपल जो हमारे घर पे रहते हैं यही सारी डिशेज़ दे के मैंने आज बनाऊँगी चिकन बिरयानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने जो है कढ़ाई को गर्म करने दिया है, मैं इंडक्शन में बनाती हूँ तो कढ़ाई मेरा गर्म हो रहा है। उसके मैंने यहाँ पे जो है वाइट ऑयल कुछ ज़्यादा ही मैंने लिया है तेल, क्योंकि वाइट ऑयल बिरयानी है तो थोड़ा सा तो ऑयल लगेगा ही, तो तेल अभी जो है गर्म हो रहा है। तेल गर्म होने के बाद मैं तेल में डालूँगी, ये आप देख सकते हो कुछ होल गर्म मसाला और जीरा, ये मैं तेल में दे दूँगी। और आज मेरे पास जो है बिरयानी लीफ यानी कि तेज पत्ता अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो भी लगता है बिरयानी में। तो तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें जो है प्याज जो है वो पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें दूंगी।
बर्तन ले लिया, आप देख सकते हो पतीले टाइप है ये इस तरह का। तो इसमें मैंने जो है पहले थोड़ा चावल दे दिया है इसमें, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, और डालूंगी बिरयानी मसाला, और डालूंगी घी। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं यहाँ जो चिकन मेरा बना है उस चिकन को इस तरह दूंगी। मैंने जो है चावल ले लिया है, अब मैं इसमें घी दे रही हूँ, और मैं दे रही हूँ थोड़ा सॉल्ट, और मैं दे रही हूँ बिरयानी मसाला। अब मैं इसको फिर से मिला लूंगी अच्छे से। अब मैं फिर से इसमें दूंगी ये चिकन, और बारिश में जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल यही चीज़ का हुआ है। मतलब बच्चे लोग जब स्कूल से आते हैं तो बारिश में पूरा मतलब भीग भी जाते हैं, और कीचड़, रोड इतना कीचड़ है मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। तो बस आज का जो ब्लॉग है इसको मैं अभी यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को देखा, मेरे वीडियो देखा, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल बटन आता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।